हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल मैं आशीष शर्मा आज इस वीडियो में आपको क्लास फोर्थ का चैप्टर नंबर एट जिसका नाम है अ स्टिच इन टाइम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बताने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग ये बहुत चैप्टर है अगर आपने ये स्टोरी पढ़ी होगी देन यू विल से दैट दिस इज सच अ वंडरफुल चैप्टर और अगर आपने इसकी स्टोरी नहीं पढ़ी है तो पहले आप इसकी स्टोरी को पढ़ेंगे और तब इस क्वेश्चन आंसर को अच्छे से समझ पाएंगे स्टोरी भी अवेलेबल है मेरी चैनल पे यू कैन गो एंड वॉच दैट पर्टिकुलर चैप्टर स्टोरी बट नाउ दिस इज द क्वेश्चन आंसर सो वी विल डिस्कस हेयर ओनली द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर सो एज यू कैन सी हेयर

और जो रिलेटेड है वो आपको exactly समझ में आएगा जब आप इसकी वीडियो को देखेंगे इसकी स्टोरी आपको पता होगी क्वेश्चन नंबर टू हु पीस ऑफ रबर ऑन द होल दैट वॉज इन द इनर ट्यूब ऑफ द टायर टायर के ट्यूब में अंदर की तरफ एक रबड़ का पीस किसने लगाया था किसने पुट किया था तो अगेन श्याम श्याम पुट द पीस ऑफ रबर द होल दैट वॉज इन द इनर ट्यूब ऑफ द टायर देखो यहां पर आपको सिर्फ हु की जगह पे श्याम लिखना है अदरवाइज सारा आंसर आपका एज इट इज होगा क्वेश्चन की तरह यू हैव टू राइट क्वेश्चन जस्ट एक्सपेक्ट एक्सेप्ट द शाम इन द्लेस वर्ल्ड ऑफ हु क्वेश्चन नंबर थ्री हु श्रेषा एंड श्याम रिपेयर द टायर किसने श्रेषा और श्याम की हेल्प की थी टायर को रिपेयर करने में तो मनीगंदन अन्ना हेल्प श्रेषा एंड श्याम रिपेयर द टायर तो हु की जगह हम लिख देंगे एक मनीगंदन अन्ना थे जिन्होंने हेल्प की थी श्रेषा और श्याम के टायर को रिपेयर करने में क्वेश्चन नंबर फोर हु शो श्रेषा एंड श्याम द मल्टीमीटर किसने श्रेषा और श्याम को मल्टीमीटर दिखाया था आंटी अनुपमा तो की जगह सेम एज इट इज पे जो रिक्वायर है सिर्फ उतना ही मैंने यहाँ पर लिखा है जिससे आपको एक्स्ट्रा ना लर्न करना पड़े या समझना पड़े और पॉइंट पॉइंट हम आंसर समझ सकें तो अनुपमा आंटी थी जिन्होंने श्रेषा और श्याम को मल्टीमीटर दिखाया था नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव वॉट वॉज रॉन्ग आयरन बॉक्स मतलब आयरन बॉक्स के साथ क्या हुआ था तो उसमें क्या मिस्टेक हो गई थी द स्मॉल वायर नेक्स्ट टू द प्लग ऑफ द आयरन वॉज ब्रोकन दिस वॉज द फोल्ट दैट डिड नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो टू द आयरन द प्लग एंड द वायर हैड टू बी रिप्लेस्ड तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम हुई थी वो आयरन बॉक्स के वायर के साथ हुई थी जिससे उसे रिप्लेस किया था अनुपमा आंटी ने और जब तक वो आंटी के पास जाते हैं तब तो उनकी साइकिल में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है रिपेयर करते हैं जिसकी वो हेल्प लेते हैं मणिकंदन अन्ना की तो ये क्योंकि क्लास फोर्थ चैप्टर के, के क्वेश्चन आंसर हैं तो मैंने बच्चों के अकॉर्डिंग ही इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में ना करके पॉइंट टू तो पॉइंट ही आंसर्स में से डिफाइन किया है So this chapter has only five question answered and all these question answer have been discussed in this video. So I hope this video is very helpful for you, and you will easily understand this chapter question answer. So thank you guys for watching my video completely, and now this time thank you so much, and have a good day to all of you. Radhe Radhe, Aap sabi ko.